आराध्या, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। कहो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि नया वर्ष शुरू हो गया है, तो आप लोगों को हमारे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग कैसे हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैंने शाल ओढ़ा हुआ है मम्मी का, और बारिश भी हो रही है। तो यहाँ पे जो है अलाव जलाया गया है, मम्मियाँ जलाई हैं, तो बच्चे ब्रश कर रहे हैं और हम यहाँ पे अपना हाथ सेक रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं कुछ देर के बाद, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जल जाओगे। ये देखिए गाइज, हमारे यहाँ अलाव जल रहा है, सुबह का टाइम है और बारिश भी हो रही है। हल्की हल्की बूंदे पड़नी शुरू हो गई है। जानवी अभी ब्रश कर रहे हैं। भैया हो गया, इधर आ जाओ, मुंह धुला दूं। आ जाओ, मैं मुंह धुला दूं। आ जाओ। ये देख लीजिए गाइस, बारिश हो रही है। मम्मी देखो बारिश हो रही है दोस्तों, और वहाँ पे हमने अपने बच्चों का जो है कपड़ा धुल के डाला हुआ था। अभी कपड़े में जो है पानी टपक रहे हैं, तो मम्मी से बोली, तो मम्मी बोली कि जब पानी टपक रहे हैं तो जाने दो, वैसे भी सूखने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे कपड़े मैंने डाला हुआ है, हमारा है, बच्चों का है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, अमरूद का पेड़ है मेरा, और ठंडी में बहुत ज़्यादा फटते हैं। इधर आओ, बाहर मत खेलो, इधर आओ। ये देखो बच्चे हमारे नाच रहे हैं। बिजली जो है बहुत कड़क रही है और बच्चे हमारे नाच रहे हैं। अभी बहुत जोर से बारिश नहीं हो रही, सिर्फ रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। तो यहाँ जो नीम का पेड़ है ना, इससे जो है बारिश नीचे नहीं आ रही है, तो इसी के नीचे ये लोग खेल रहे हैं। वैसे जो है हम इन लोगों के पास में ही हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा नल है, ये मेरी कुआं है। आप लोग देखेंगे हमारे वीडियो में, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं। ये देखो बच्चे हमारे दोनों खेल रहे हैं। ये देखो ये मेरा समर शेबुल चिल्लू। अम्मी पानी तो साफ दे तो बा। वहाँ पे लहसुन लगाया गया है, वहाँ पे धनिया है, सब कुछ लगाई है मम्मी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आनी पानी कर दो। चलो अब इनको बोले थे सूज पहनने के लिए, तो सूज नहीं पहने। देखो बिजली तड़क रही है। अब चलो आप चले घर में है भैया, चलो। और धुआं निकल गया होगा ना, चलो आओ, चलो भाग चले। बहुत ज्यादा अब ठंडी लग रही है, तो इन लोगों को हम लेके चल रहे हैं घर में अभी। ए भैया चलो चलो, ए भैया चलो चलो अंदर चलो। और वहाँ पे देखो मम्मी टुल्लू चला के छोड़ दी है। और यहाँ से सामने कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। हम जा रहे हैं भैया अंदर, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। ये आ जाओ, बारिश हो रही अभी, तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। नहीं ये देखो शाम के बज गए हैं, छह बज गए हैं। और हमारा जो घर है अंगनेदार है, तो मैं अंगने में अलाव ताप रही हूँ, मम्मी ने जलाया हुआ है, तो हम बैठ के ताप रहे हैं। हमारी मम्मी जो है काम कर रही है। हम बैठे बैठे खा रहे हैं। मायके आए हैं भाई, चलिए मिलते हैं।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और हम लोग जो है बाहर आए हैं यहाँ द्वार पे, क्योंकि घर में जो है नेटवर्क ही नहीं रहता। हमारे घर वाले बहुत परेशान थे, किसी का फ़ोन नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चल के बात कर ले, नहीं तो सब लोग झूठे ही परेशान रहेंगे। तो इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। यहाँ भैया भी आया मेरे साथ में, देख सकते हैं अभी सो के उठा हुआ है और कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, ठंड भी बढ़ गई है। तो कोहरा नहीं पड़ा है, कह रहा है कोहरा नहीं पड़ा है। जो बेटा धुआं धुआं लग रहा है ना, ये सारे कोहरे हैं, ये देखो। ये तो बड़े मुंह से निकल रहे कह रहा है मेरे मुंह से निकल रहा है। तो दोस्तों हम चल रहे हैं अंदर, क्योंकि ठंड बहुत है ना, भैया को भी ठंडी लग सकती है, इसलिए इनको बचा के रखना पड़ता है। और मम्मी घर में अलाव जलाई हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो है अपना हाथ पांव सेकेंगे और भैया मेरा नाश्ता करेगा, कुछ खाए पिएगा और जो है चलो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से कुछ देर के बाद, ठीक है, बाय। चलिए घर में चले। देखो मेरा इनारा, सबसे ज्यादा डर तो हमें इनारे का ही लगता है, क्योंकि अभी बहुत छोटा है ना, तो इसको बहुत बचाना है। चल रहे हैं घर में और नेटवर्क गायब। ये देखिए दरवाजा बंद। ये देखिए गाइज, यहाँ पे जो है मम्मी खेती की हुई है, यहाँ पे मूली है, टमाटर है, धनिया है, मिर्चा है, लहसुन है। दीदी के पास जाना है। काहे को दीदी के पास जाना है? ये देखो अपनी दीदी के लिए रूठा हुआ है, उसको मत छू, ये बेटा उसमें लाइट होगी। दीदी के पास ये देखो क्या खा रही है। दोस्तों यहाँ पे देखो हमारी मम्मी जी आई हैं दूध लेने के लिए। यहाँ पे जो चाची जी हैं ना, वो लेके आती हैं और यहाँ से मम्मी मेरी दूध लेके अंदर चली जाती हैं। गांव में नहीं जाती, ऐसा मत सोचना, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि मम्मी इनकी गांव में गई हैं दूध लाने के लिए। गांव में नहीं जाती, जो खेत में दिख रहा है घर ना, वहीं से चाची आएंगी दूध लेके, फिर यहाँ से मम्मी लेके घर में चलेंगी। दोस्तों वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो इसलिए वीडियो हम जो है लेट ही करके डाल रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है तो कहाँ से वीडियो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप आप लोगों को हमारा सारा व्लॉग अच्छा लगेगा, मायके का जितना भी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। कोशिश तो हमारी यही है कि हम जो जो मायके में करेंगे, जितना सारा एंजॉय करेंगे अपने बच्चों के साथ, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आप लोग देखिएगा वीडियो पर, लगातार बने रहिएगा, पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारी मम्मी ने दूध ले लिया है और इसके बाद अब चल रहे हैं घर में हम सब जो है। और आज नववर्ष है तो हमारी मम्मी जी बना रही हैं बाटी चोखा, तो हमारी फैमिली बहुत ही छोटी है तो इसलिए थोड़ा सा ही बनाएंगी। तो यहाँ पे देखो हमारी जानवी खा रही हैं बाटी और चोखा, क्योंकि इनका फेवरेट है, इनको ना बहुत ही पसंद है ये खाना बाटी चोखा। तो इसकी रेसिपी हमने कई बार आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं गेहूँ की आटे की है जो बाटी है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद, ठीक है। दोस्तों हमारे मायके का जो ब्लॉग है बहुत ही अच्छा अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो हमारे वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। हाँ भैया नहाओगे? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय दोस्तों।